वेलकम गाइस। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.3 जो कि हमारा सेट चैप्टर का है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 2 है, एग्जामिन वेदर अ गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हम लोग को बताना है कि कौन सा जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। और यहाँ पर एक सिम्बल्स दिया हुआ है, ये सिम्बल है सबसेट का। तो हम लोग को सबसेट पिछला क्लास में, हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए एंड बी, और दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है बी सी एंड ए। हम लोग को यहाँ पर देखना है कि जो बी सी ए है इसका अंदर का जो भी एलिमेंट है वो ए के अंदर है कि नहीं। मींस ए का जैसे कि एक ए में एलिमेंट है ए एंड बी, और इस वाला सेट में एलिमेंट है बी सी ए। तो यहाँ का सारा एलिमेंट इसके अंदर अगर मौजूद होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सबसेट, और यहाँ का सारा एलिमेंट में से कोई एक भी एलिमेंट अगर मौजूद नहीं होगा तो इसको सबसेट इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ए और बी है और इसके अंदर ए और बी मौजूद है तो ये होगा सबसेट। बट यहाँ पर हमारा सबसेट नॉट सबसेट लिखा हुआ है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट हमारा होगा वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर एक सेट के अंदर दिया हुआ है ए एंड ई, और दूसरा सेट के अंदर दिया हुआ है एक्स इज आ वोवेल। तो एक्स में यहाँ पर वोवेल है तो यहाँ पर आ सकता है ए ई आई ओ एंड यू। ओके, अब हम लोग को देखना है कि जो ए एंड ई है ये इस सेट के अंदर मौजूद है या फिर नहीं। तो ए और ई इस सेट के अंदर है, यानी ये जो है इस सेट का सबसेट होगा, और यहाँ पर सबसेट का साइन भी है यानी ये ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1, 2, 3, ये सेट के अंदर है, इस सेट के अंदर है 1, 3, 5। तो ये यहाँ का सारा एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं, तो इसका यहाँ का सारा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा, बट यहाँ पर साइन क्या है सबसेट का, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक सेट के अंदर ए है और दूसरा सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी। तो इस सेट का जो अंदर का एलिमेंट है इस सेट में मौजूद है इसलिए क्या होगा, ट्रू होगा, और यहाँ पर इसका क्या होगा, ये सबसेट होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ओके, फिर यहाँ पर देखेंगे क्या कि ए इसके अंदर है और इसके अंदर भी ए है, यानी जो ये सेट है इस सेट का सबसेट होगा, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉट सबसेट, तो ये क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर नॉट बोला है, नॉट सबसेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो एक्स ऐसा नंबर होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर जो कि 6 से कम हो, तो 6 से कम होगा 1, 2, 3, 4, 5, बट यहाँ पर इवन बोला है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, यानी 2 होगा और 4 होगा। ओके, और यहाँ पर बोल रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर डिवीजर ऑफ 36। तो 36 का डिवीजर होगा 1, 2, 3, उसके बाद 4, उसके बाद और भी बाकी एलिमेंट आएंगे, बट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो 2 और 4 है इसके अंदर मौजूद है, यानी ये वाला जो सेट है वो सबसेट होगा इस वाले सेट का, और यहाँ पर सबसेट का साइन भी दिया हुआ, यानी ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, लेट ए एक एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, और हम लोग को फाइंड करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, 3 और 4 एक सेट के अंदर है और हम लोग को फाइंड करना है कि ये जो है ए सेट से बिलोंग, ए सेट का सबसेट है कि नहीं, ये सबसेट का साइन है। तो ए सेट के अंदर 3, 4 है कि नहीं, तो 3, 4 है, बट ये खुद में एक सेट के रूप में है। ओके, तो अगर इस सेट का सेट लिखेंगे तो वो क्या होगा, ट्रू होगा, बट अभी ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, और अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगर डायरेक्ट हम लोग 3 को देखें तो इस सेट का भी क्या है, ये सेट है, यानी ये क्या होगा, ये ट्रू होगा, क्योंकि सबसेट में क्या होता है, ये जो सेट पहले से सेट है बट इसका दोबारा से सेट करेंगे तब ये सबसेट इसका कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये 3 और 4 बिलोंग टू ए, यानी 3 और 4 ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो वो कर रहा है, यानी ये क्या होगा, ट्रू होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से या फिर नहीं, तो ए के अंदर 1 एलिमेंट है, यानी ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो 5 नंबर है, 1 सबसेट है ए का या फिर नहीं, तो 1 में यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है, तो ये होगा फॉल्स। अगर कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ रहता तो ये क्या होता है, ट्रू होता। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 1, 2 एंड 5, यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा हुआ है और ए के अंदर, ए सेट के अंदर 1, 2 एंड 5 है, तो ये क्या होगा, ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 1, 2 एंड 5 बिलोंग्स टू ए, 1, 2 और 5 जो है ए से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, तो ये भी ट्रू होगा, ए के अंदर ये भी है 1, 2 एंड 5। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर 7 देखेंगे तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 तो साथ में है बट 3 एक सेट के अंदर है जिसके अंदर है 2 एलिमेंट 3 एंड 4, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि इसके अंदर जो 3 आ रहा है वो एक अकेले नहीं है, वो साथ में एक सेट के साथ में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे, जो 5 है वो ए से बिलोंग करता है कि नहीं, तो 5 ए से बिलोंग करता है बट यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, 5 के केस में उल्टा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर ब्रैकेट डाल देंगे लाइक क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर अगर यहाँ पर बिलोंग टू का साइन रहता और यहाँ पर ब्रैकेट रहता तो ये क्या रहता, ट्रू होता।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 देखेंगे तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या दिया है साइन सबसेट का, यानी 5 ए का सबसेट है कि नहीं, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। 5 के केस में मैंने क्या बताया था, उल्टा होगा यानी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो ये क्या होगा, ए का सबसेट होगा, बट अगर यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा तो वो ए का सबसेट नहीं होगा, कौन, 5। तो 5 के केस में मैंने क्या बताया था, उल्टा होता है, यहाँ पर क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव पी ए, पी मीन्स यहाँ पर है पावर सेट, और ए के अंदर, ए का जो पावर सेट है उसके अंदर कितना एलिमेंट आएगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो ए एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स वो 5 है। ओके, तो हम लोग पावर सेट निकालने का हम लोग को तरीका पता है या फॉर्मूला पता है। अगर ए के अंदर मान लीजिए एक एलिमेंट है 1, ठीक है, या फिर दो एलिमेंट मानते हैं 1 एंड 2 है, तो इसका अगर पावर सेट हम लोग को निकालना रहता था तो क्या करते थे, 2 का पावर हम लोग, 2 का पावर हम लोग देते थे, जितना भी ए के अंदर एलिमेंट है, यानी 2 एलिमेंट है तो 2 दे देंगे, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग पावर सेट निकालते थे। अब हम लोग इस केस में देखेंगे कि ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा ओनली 5। ओके, और नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, अगर बात करें नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 2 का पावर, एक भी एलिमेंट नहीं है यानी 0, तो 2 का पावर 0 हो जाएगा, और 2 का पावर किसी का भी पावर 0 होता है 1, यानी इसका, इसके अंदर, इस सेट के अंदर 1 ही एलिमेंट होगा, मतलब अगर इसका पावर सेट निकाले तो इसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट आएगा और वो एलिमेंट होगा 5। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, राइट डाउन ऑल द सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी जितना भी सेट है उसका हम लोग को सेट लिखना, ऑल सेट, तो ऑल सेट मतलब क्या होता है, पावर सेट ही होता है, तो इसका हम लोग का पावर सेट फाइंड करना है। तो चलिए इसका पावर सेट फाइंड करते हैं। तो इसका पावर सेट हो जाएगा, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो इसका पावर सेट हो जाएगा ए, और हर एक सेट का पावर सेट होता है 5, 5 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद होता है कोई भी सेट में। फिर क्वेश्चन नंबर अगर 2 को देखेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा ए एंड बी, और फाइनली आ जाएगा 5। तो इसके अंदर कितना पावर सेट होगा, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब यहाँ अगर इसका पावर सेट निकालेंगे, यानी सेट ऑल द सेट ऑफ फॉलोइंग सेट, तो इसका पावर सेट हो जाएगा, पहला आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, देन आएगा 1 एंड 2 पेयर में, फिर आएगा 1 एंड 3 पेयर में, उसके बाद आएगा 2 एंड 3, फिर आएगा 1 2 एंड 3, और लास्ट में 5। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 का पावर 3, यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा, इसका पावर सेट हो जाएगा ओनली 5, यानी इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में भी देख चुके थे कि पाई का अगर पावर सेट निकालेंगे तो ओनली पाई, सॉरी 5 का अगर पावर सेट निकालेंगे तो ओनली क्या होगा, उसका 5 ही होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फॉलोइंग एस इंटरवल, हम लोग को ये सारा सेट को इंटरवल में लिखना है। तो चलिए फर्स्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको इंटरवल में लिखने का। तो इसका सॉल्यूशन होगा, ये -4 > x > -4 > x > 6, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -4, 6। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है इसलिए यहाँ पर भी होगा स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 2 देखेंगे तो यहाँ पर है -12 एंड -10, तो यहाँ पर -12 लिख देंगे कॉमा -10 लिख देंगे। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है यानी यहाँ पर होगा ओनली सिंपल ब्रैकेट होगा, उसके बाद यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पर भी सिंपल ब्रैकेट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है x बिलोंग टू रियल नंबर, और x का जो वैल्यू है 0 से बड़ा और 7 से छोटा है, बट यहाँ पर इक्वल टू का साइन है मीन्स इसका अंदर 0 भी आएगा, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है यहाँ पर इसका मीन्स ये 7 इसका वैल्यू नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम लोग को 0 और 7 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट का साइन देना, तो यहाँ पर होगा स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट होगा। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसका सॉल्यूशन होगा, 3 से 4 तक x का वैल्यू गया है तो यहाँ पर लिख देंगे x 3, 4, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट देंगे तो यहाँ पर होगा स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू का साइन है और यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है, तो ये सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो चलिए देखते हैं, राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो इंटरवल हम लोग को दिया हुआ है इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, चेंज करना है, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जो किए थे सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल में चेंज किए थे, यहाँ पर जस्ट अपोजिट करना है, इंटरवल को हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एंड यहाँ पर लिखेंगे -3 > इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू को साइन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है स्मॉल ब्रैकेट है,
यहाँ पर हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा लेस देन, और यहाँ पर हो जाएगा जीरो। ओके, दोनों में यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर टू का अगर सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू, यहाँ पर रियल नंबर हम लोग लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर इसका वैल्यू लिखेंगे, 6 से 12 तक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगेगा बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है। फिर लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एंड यहाँ पर -23 से 5 तक इसका वैल्यू गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे -23 x and 5। एंड फाइनली इसका क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है तो यहाँ पर जो है लेस देन यहाँ पर इक्वल टू का साइन दे देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है मीन्स यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं देंगे। तो ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन देखते हैं, बाकी का क्वेश्चन जो 8 और 9 है वो अगर आपसे नहीं बनेगा तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।